हाय एवरीवन, तो चलिए आज बनाते हैं पोटैटो चीज़ बॉल। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा होता है, ख़ासकर बच्चों को बहुत ही पसंद है ये वाला। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 उबला हुआ आलू लिया है, इसे अच्छे से मैश कर दें। तो सारे आलू को मैंने अच्छे से मैश करके ले लिया था। अब चलिए यहाँ पे मसाला ऐड करती हैं। यहाँ पे मैंने बारीक धनिया, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाल के इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके ले लें। तो अच्छे से मिक्स होना चाहिए सारा मसाला। तो अब इसे साइड पे डाल दें। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा बॉल लिया है, इसमें 1 चम्मच मैदा डालें और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक पतला सा घोल बना लेना है, बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये थिक भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरा ब्रेड क्रम्प लिया है, ये चीज़ मोज़रेला चीज़ लिया है, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया था। अब यहाँ पर आलू ले, बस इसे बीच से प्रेस कर देना है, गोल करके बीच से प्रेस कर देना है, इसमें चीज़ डालकर और सारे को अच्छे से बंद कर लेना है और अच्छे से गोल बना लेना है। तो देखिए गोल बना के जो हमने मैदे का घोल बनाया था उसमें डाल दें, और उसमें डीप करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्प लगा दिया है, सारे चारों तरफ ब्रेड क्रम्प लगा दें। बस इसी तरीके से सारा हम लोग को जो पोटैटो चीज़ बॉल है ना उसे तैयार कर लेना है। तो बस कुछ नहीं, आलू लेकर बीच में चीज़ डाल देना है, उसे चारों तरफ से कवर कर लेना है गोल करके, और बस मैदे के घोल में डीप कर देना है, फिर ब्रेड क्रम्प लगा के। इसी तरीके से मैंने सारा ब्रेड जो है अच्छे से तैयार करके, ये जितना भी बॉल है उसे अच्छे से तैयार करके ले लिया है। तो ये देखिए अब साइड में जो है तेल को डाल दिया था गर्म होने के लिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया था। अब जितना भी बॉल है उसे डाल दें एक एक करके। तो ये देखिए बस इसे हाई फ्लेम में ही कुक करना है, 3-4 मिनट में ये अच्छे से बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से कुक हो रहा है। यहाँ का थोड़ा सा क्लिप मेरा डिलीट हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सर्व कर लिया था गोल्डन ब्राउन आने तक। और गर्म गर्म एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।